हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्रैश हो रहा है और हम लोग आपको अपडेट देने आ चुके हैं। ठीक है, आपके दुख के अंदर हम भी शामिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली मसले वाली बात नहीं है। ओके, लूना अभी क्रैश हुआ है एंड ऑलमोस्ट लूना टच कर चुका है $0.68। ठीक है, एंड मैंने इसको अभी जस्ट बाय किया है $1 के आसपास एंड मैंने $3 पे लिमिट लगाई थी, उसके आसपास ये टच होने वाला था बट नीचे आ गया है, उसको मैंने सेल कर दिया। लूना काफ़ी बुरा गिरा है एंड सारी मार्केट सिर्फ लूना की वजह से गिरी है। राइट नाउ BTC ने टच करा है अराउंड 29,000 का एरिया, जो हमने सुबह भी डिस्कस करा था कि मार्केट के पास। लेट मी शो यू अ डेली चार्ट, वेयर इज़ माय चार्ट। ओके, तो यही है हमने डिस्कस करा था कि हमारा जो एरिया है मेजर सपोर्ट एरिया, वो अराउंड 28,600 से लेके 30,400 का एरिया है। तो मार्केट यहाँ पे आपको दिखेगी शाम तक, तो मार्केट अगेन वहाँ पे आ चुकी है। सो मैं अभी जस्ट यहाँ पे छोटी सी बाइंग कर रहा हूँ। जैसा मैंने सुबह कहा था कि मार्केट के अंदर अगर आपको सर्वाइव करना है या फिर आपको बाय करना है, एकदम से बाय नहीं करते। एंड जहाँ सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होगी, यहाँ पे हमने सिर्फ 20% के आसपास की बाइंग करी है, बाकी हम लोग जस्ट वेट करेंगे। अगर मार्केट नीचे गिरेगी, अगर नहीं गिरेगी तो वो 20% हमारा तो 30-40% हो ही जाएगा इन जस्ट अ फ्यू डेज़। ठीक है, एंड मैंने आपको 3-4 दिन पहले ये कहा था कि मैं अभी बुलिश नहीं हूँ। क्यों, रीज़न क्या है? लूना ने ऑलरेडी ये हमें बता दिया था कि हम लोग BTC सेल कर रहे हैं एंड साथ में कुछ और भी रीज़न दिखाई जा रही थी। एंड अभी मैं आपको एक एग्जैक्टली डेट देता हूँ, 22 मई तक मुझे हमारे प्रीमियम मेंबर्स से उसने कहा कि वहाँ तक मार्केट नीचे ही अभी हमें दिखेगी, उसके बाद में भी मार्केट के अंदर अपसाइड देखने को मिलेगा। ठीक है, सो 22 मई तक आपको जस्ट थोड़ा वेट करना है, ज़्यादा बड़े लॉन्ग पोजीशंस नहीं बिल्ड करने हैं, छोटी मोटी पार्शियल बाइंग तो बनती है यहाँ पे, छोटा सा बाय करके छोड़ दो। ठीक है, जैसे कि लूना है एंड जिन लोगों ने लूना लिया है उन्हें क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। देखो, अगर लूना आप यहाँ पे सेल करोगे तो क्या लोगे? ठीक है, अगर आपने यहाँ पे मान लो कि अगर $50 पे बाय करा है, $30 पे बाय करा है एंड अभी $1 पे है, तो वहाँ पे आपका ऑलमोस्ट सारे का सारा पैसा डूब चुका है। अब उन लूना को पड़े रहने दो, जस्ट पड़े रहने दो, क्या होगा वो बाद में देखेंगे। अब देखो, यहाँ पे अगर तुम लोग लूना को क्लोज करते हो या फिर उसको सेल करते हो तो क्या फ़ायदा होगा? ऑलमोस्ट हमारा सारा पैसा डूब चुका है। ठीक है, तो उन्हें पड़े रहने दो, अब उनको मत सोचो। अभी मार्केट क्योंकि एक सपोर्ट एरिया के अंदर है, आपको जस्ट यहाँ पे वेट करना है। आज हमने काफ़ी अच्छी प्रीमियम के अंदर एक दो ही कॉल्स ली थी, बाकी मैंने पर्सनली काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स करी हैं। लेट मी शो यू, ICP को मैंने शॉर्ट किया था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, 138% के आसपास 10x लिया था। एंड BTC आपको पता है, अगर आप 50x भी ले लो तो थोड़ा सा हैंडल करने में आ जाता है, तो इसको भी मैंने 25x से लिया था। एंड साथ में मैंने SRM कॉइन को लिया था, 271% का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। एंड दी ज़्यादा अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं जिनको आप पकड़ सकते हो शॉर्ट पोजिशन या फिर लॉन्ग पोजिशन बिल्ड करने के लिए। ठीक है, अभी भी आपको जस्ट थोड़ा सा वेट करना है। मार्केट में भी आज शाम तक या फिर कल तक जो है ना 28,000 के एरिया को भी टच कर ले, सो बी केयरफुल। मैं प्रीमियम के अंदर आज 1:30 के आसपास बता चुका था कि मार्केट में फिर से हमें वही सिचुएशन दिखेगी, तो प्लीज़ बी केयरफुल। ठीक है, तो वो लोग सारे सेफ हैं। हमने एक बैंड कोइन की आपके साथ भी शेयर किया था कॉल, वो भी अच्छा परफॉर्म करा था। अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिंपल आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो राइट नाउ जस्ट वेट एंड वेट, वेट एंड वॉच करो मार्केट क्या करती है। मार्केट यहाँ पे क्योंकि फड है, यहाँ पे रुकेगी नहीं, भले यहाँ पे मेरे हिसाब से और भी बैड न्यूज़ आएंगी, मार्केट और मैनिपुलेट किया जाएगा, काफ़ी बुरा सीन होने वाला है। तो जस्ट होल्ड, जिनका सपोर्ट के अंदर है बैठे रहो, आराम से चिल करो, इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, एंड दूसरे जिन लोगों ने ये सोचा हुआ है कि लूना को सेल कर दें, तो यहाँ पे सेल करने का कोई तुक नहीं बनता है, उनको जस्ट होल्ड करो। एंड अगर आपको बाय करना है तो लूना को छोटा मोटा $20-$30-$40-$50 का यहाँ पे बाय कर सकते हो, $1-$2 के आसपास, क्या पता कि छोटी मोटी रिकवरी आई है एंड हमको 2x-3x आराम से मिल सकता है। ठीक है, मैं अभी बैठे बैठे 3x निकाल चुका हूँ, $1 पे बाय करा था, 2.8 के आसपास सेल किया, बाय बाय टाटा गुड बाय। ठीक है, ज़्यादा नहीं लगाए, $50 के आसपास लगाते हैं, 50-60-70 बचते हैं, एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको चीज़ें समझ आएंगी। एंड मार्केट इज़ नॉट लुकिंग बुलिश राइट नाउ, माहौल बड़ा ख़राब है। 28,600 का एरिया अगर ब्रेक होता है तो हमको 23 के एरिया पे जाना पड़ेगा एंड वहाँ जाते ऑलमोस्ट हमारे ऑल्ट कॉइन 300% नीचे गिर जाएंगे एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, सो बी केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे ज़्यादा मार्केट गिरने के चांसेस भी मुझे नहीं लग रहे, उसकी रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। माइक्रो स्ट्रेटजी का नाम सुना होगा, ठीक है, उसने ऑलमोस्ट
उसकी जो टोटल BTC की बाइंग है वो अराउंड 32,000 के एरिया के आसपास है। एंड मान लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे 23 पे जाने शुरू कर देती है, तो बताओ कि वो बंदा क्या करेगा जिसकी बाइंग ऑलमोस्ट 32,000 पे है। ठीक है, सो ऐसा आई थिंक नहीं होने वाला है, बट फिर भी मार्केट के अंदर क्या पता कि एक और बैड न्यूज़ आ जाए और हम लोग नीचे गिर जाएँ। एंड इसी तरह एलोन मस्क के पास भी बहुत सारे BTC हैं, अगर वो भी सेल करता है तो उसकी भी बाइंग यहाँ कहीं है अराउंड 25,000 के आसपास, तो हो सकता है कि उसका टेस्ला वाला शेयर भी गिर जाए। तो ऐसा थोड़ा सा न्यूज़ आ रही है, सो मे बी देखते हैं मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। वीकेंड भी आने वाला है, लेट्स सी आई थिंक क्या होता है, बट बी केयरफुल, बड़ी बाइंग मत करो। वैसे ये बाय करने का टाइम है, छोटी सी बाइंग कर सकते हो बट बड़ी बाइंग नहीं बनती है। ठीक है, बाय एंड टेक केयर। एंड यहाँ पे मैंने एक दिन पहले भी आपको कहा था कि रिवॉर्ड ज़्यादा हो सकता है अगर आप उसको अपना मैनेज करके चलते हो। यहाँ अराउंड वेट अ सेकंड, यहाँ पे बाय करते हो, यहाँ पे बाय करते हो, फिर जस्ट वेट करो, फिर यहाँ आएगी, यहाँ पे बाय करना। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ आएंगी एंड मज़ा आया होगा इस वीडियो को देख के। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हो, छोटी मोटी फीस है, 3 मंथ वाला ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैंने $50 रखे हैं, वैसे तो मंथली जो है $30 हैं, तो मेरे हिसाब से 3 मंथ का वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। अगर आपका पोर्टफोलियो $1,000 भी है तो आपको इजीली अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बाय एंड टेक केयर।